इंटीग्रेशन तो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो हमने अभी तक कौन सी इंटीग्रेशन की, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आज हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा, एग्जांपल ध्यान से देखना फिर क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। सपोज क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, सिंपल इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, एक पावर बढ़ा दी पावर से डिवाइड कर दिया। अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसका आंसर एक्स स्क्वायर बाय टू। इनडेफिनेट क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू मालूम ही नहीं क्या है, एक्स तो वेरिएबल है, हमें क्या पता इसका क्या आंसर आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहां पर इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे दो नंबर गिवन होते हैं, नंबर या कुछ भी गिवन होगा जिसको लिमिट्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स। जो नीचे का नंबर है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर के नंबर को अपर लिमिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया 2 और ये मैंने लिया 3, ये लिमिट्स होती क्या हैं अभी 2-4 मिनट में बताऊंगा। मान लो ये लिमिट्स अगर आपको गिवन है तो कैसे सॉल्व करनी है इंटीग्रेशन, पहले ये सीखो। ये लिमिट्स लगाई कैसे जाती हैं ये अभी बताऊंगा, और ये लिमिट्स का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आपको बताऊंगा। तो पहले बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करनी है। तो आपने कुछ नहीं करना, अंदर की इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई टू वैसी सॉल्व होनी है, जो आंसर आया उसके यहाँ ब्रैकेट लगाना है और ये जो लिमिट्स हैं 2 और 3 इसको राइट साइड पे ऊपर लिख देना है। तो अंदर का आंसर तो एक्स स्क्वायर बाई टू ही है, लिमिट को नीचे और एज इट इज। अब एक्स एक वेरिएबल है, ध्यान से देखना, एक बार एक्स की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट तो 3 का स्क्वायर बाई 2, एक बार एक्स की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर बाई 2, और बीच में साइन क्या लगाएंगे, माइनस। ये स्टाइल है इसको सॉल्व करने का। तो अंदर की इंटीग्रेशन एज इट इज, एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट, दोनों को माइनस। तो माइनस करके आंसर आएगा 9/2 - 4/2 यानी कि 5/2। तो एक डेफिनेट आंसर आ रहा है इसलिए इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है यहां तक? तो एक बार आप ट्राई करें, फिर से ये देखो ये क्वेश्चन ट्राई करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम -1 to -2, लिमिट्स ऊपर नीचे बड़ी छोटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लग सकती हैं, इसका आंसर क्या होगा, -7/3 - -7/3 + 7/3 + 7/3। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले इसकी इंटीग्रेशन होगी क्या, x³/3 लिमिट लगाएंगे यहां पर -1 से लेके -2, सबने ऐसे किया, x की जगह एक बार अपर लिमिट तो क्या आएगा -2³/3, एक बार x की जगह लोअर लिमिट -1³/3 और दोनों को क्या कर दिया, माइनस। सबने ऐसे किया, -2³ क्या होता है -8/3 और -³ क्या होता है -1 - +1/3, तो आंसर इज -7/3। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सही है, लिमिट पुट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सारी इंटीग्रेशन एज इट इज है, एंड में बस लिमिट पुट कर दी और आंसर आ गया, ठीक। तो जिनका ये हो गया वो ये क्वेश्चन करें, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x dx फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो इसमें ओपन करेंगे x² dx + x dx की
इंटीग्रेशन, तो कहाँ से कहाँ, वन से टू, वन से टू, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यू बाई थ्री वन से लेके टू, प्लस यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू वन से लेके टू। एक बार x की जगह अपर लिमिट तो 2 का क्यूब बाय 3, एक बार x की जगह लोअर लिमिट 1 का क्यूब बाय 3 ये रहा। उसी तरीके से एक बार x की जगह 2 स्क्वायर बाय 2 और एक बार 1 स्क्वायर बाय 2। क्या पॉइंट क्लियर है? तो पहले इसकी इंटीग्रेशन एक बार x की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, डाउट? ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2। सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है? अंदर की इंटीग्रेशन एज इट इज है, एंड में बस आपको लिमिट्स पुट करनी है, एक बार अपर एक बार लोअर, एक बार अपर एक बार लोअर, और दोनों को माइनस कर देना। ठीक, सेवनटीन बाय सिक्स। ट्वेंटी थ्री बाय सिक्स। ठीक है, 23/6। मेथड समझ में आ गया। अब मैं आपको लास्ट दो या तीन एग्जाम्पल देता हूँ और इसको क्लोज करते हैं। बस मैं इतना ही करने वाला कि जैसे सपोज करो क्वेश्चन क्या देना है, उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मतलब ये न्यूमेरिकल मैथ्स मैथमेटिकल क्वेश्चन दे रहा कि लिमिट पुट करके दिखाओ। मैं आपको फिजिक्स की प्रॉब्लम दे रहा हूँ और फिजिक्स की प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन कैसे यूज होती हैं वो मैं करके दिखाऊंगा, पर इंटीग्रेशन के स्टेप्स आप करके दिखाना। ठीक, सपोज करो एक कार चल रही है यहाँ से यहाँ तक, एक कार की इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है, और U से भी उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मान लो इंक्रीज हो गई। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन। तो मान लो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, और बॉडी U से V वेलोसिटी कितनी देर में कर रही है, T टाइम में, सच दैट जब बॉडी चली थी तो टाइम की वैल्यू यहां पर क्या थी, 0 सेकेंड, स्टॉप वॉच ऑन किया, और जब बॉडी यहां पहुंच गई तो टाइम की वैल्यू कितनी है, टी सेकेंड। डाउट इसमें, 0 से t सेकेंड, राइट? क्लियर है यहां तक? ये सिचुएशन है। अब बॉडी क्या कर रही है, यहां पर एक्सेलरेट कर रही है। अब ये बताओ कि किसी भी वक्त इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाय डीटी। ये हमने किया था, डीवी बाय डीटी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डीटी, ये भी लास्ट टाइम किया था। मैं इंटरेस्टेड हूं वी वेलोसिटी निकालने में, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जब ये इक्वेशन आ जाती है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ठीक है मैंने यहां पर दोनों साइड्स की क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। अब ये स्टेप जो मैं करने जा रहा हूं वो नहीं किया था, बस इंटीग्रेशन करके दिखा दी थी, वो सही मेथड नहीं था क्योंकि वो इनडेफिनेट चल रहा था, ये डेफिनेट में चलाऊंगा। कैसे, एक्चुअल में फिजिक्स में इंटीग्रेशन ऐसे चलती हैं कि अगर सपोज करो, इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी चल रही है तो लिमिट वेलोसिटी की लगेगी, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रही है तो लिमिट टाइम की लगानी पड़ेगी, लोअर एंड अपर लिमिट। कैसे लगानी है बताता हूं, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगी तो लिमिट एक्स की फॉर्म में लगेगी, अगर इंटीग्रेशन चार्ज डी क्यू चलेगी तो लिमिट चार्ज की चलेगी, मतलब जो भी वेरिएबल यहां होगा उसकी लिमिट लगेगी। जैसे यहां इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो जब ये बॉडी चली थी इनिशियली तो वेलोसिटी क्या थी, u, तो लिमिट क्या लगेगी, u, और जब ये बॉडी यहां पर आ गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v, तो इससे ये पता लग रहा है कि वेलोसिटी u से कितनी हो गई, v। लिमिट कैसे लगानी है ये टाइम के साथ आपको समझ में आएगा, पर इस प्रॉब्लम में मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं, पर आपको समझ में आ रहा होगा कि लिमिट्स को लगा के नहीं देता, हम खुद लगाते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को स्पेसिफाई करती है। अब यहां पर टाइम है, टाइम की बताओ क्या सिचुएशन है, जब बॉडी चली थी तो टाइम क्या था, जीरो, और जब बॉडी पहुंच गई वी पे तो टाइम क्या है, टी, राइट। अब आपका काम शुरू, प्लीज इसे इंटीग्रेट करके आंसर बताएं क्या होगा।
तो ये 1 dV है u से लेके v, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है प्लीज इस क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या बचेगा 1 dt, कहां से कहां तक, 0 से लेके t, इसको इंटीग्रेट करके क्या देखा हुआ रिजल्ट आता है, कुछ देखा हुआ रिजल्ट लगता है, देखो जरा। अच्छा ये बता दो 1 dV की इंटीग्रेशन क्या है, 1 dx की क्या होती है, x, 1 dy की y, 1 dv की v, तो यहां पर क्या आएगा v, लिमिट बोलो क्या लगेगी u से लेके v, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू 1 dt की इंटीग्रेशन t, 0 से लेके t। अच्छा लिमिट्स पुट करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लो, v की जगह अगर अपर लिमिट पुट करें v तो आंसर क्या आएगा, v इटसेल्फ, v की जगह v पुट किया तो v, v की जगह लोअर लिमिट पुट की u तो आंसर क्या आएगा u, तो इसकी जगह पुट किया u माइनस किया, t की जगह अपर लिमिट तो t, लोअर लिमिट तो 0, v माइनस u इज इक्वल टू 80 या v इज इक्वल टू u प्लस 80, सुना हुआ है ना ये रिजल्ट, v इज इक्वल टू u प्लस 80, आपने 9th क्लास में प्रूफ किया है इसका ग्राफिकल मेथड से, पर मैंने बताऊं किससे किया, कैलकुलस से, काम वही है v इक्वल टू u प्लस 80, पर कैलकुलस कैसे इन्वॉल्व किया समझ में आया, मोशन चैप्टर ऐसे डील करेगा, मोशन जो चैप्टर करेंगे उसमें कैलकुलस ऐसे ऐसे लगेगा, पर अभी नहीं उसमें दोबारा आएगा, कोई टेंशन नहीं, आपका काम सिर्फ इंटीग्रेट करने का, आपको ये स्टेप ध्यान से देखने हैं बस, इसमें तो बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे लिमिट को लगाया जाता है एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो अगला जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, सपोज क्वेश्चन है साइन एक्स डी एक्स 0 से लेके पाई बाय 3, ये क्वेश्चन है, जो एंगल्स होते हैं मैथ्स में वो मेजर किए जाते हैं डिग्रीज में, जैसे 360 डिग्री, या मेजर किए जाते हैं रेडियंस में, तो ये क्या रिजल्ट है, 360 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 2π रेडियंस, ये याद रखना है आपने, 360 डिग्री 2π रेडियंस याद रखना है, ठीक, मैथ्स में ऐसे यूज करते हैं, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितने डिग्री आ जाएगा 180, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पाई रेडियंस, यानी कि 180 डिग्री कॉरस्पॉन्ड्स टू पाई, 180 का मतलब पाई होता है, ठीक हो गया, तो पाई का मतलब 180 डिग्री है, तो एक बात बताओ अगर मैंने दिया आपको पाई बाय 3, पाई स्टैंड फॉर 180 डिवाइडेड बाय 3, कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री, बस कुछ नहीं करना, पाई को अपने मन में 180 पुट कर देना है, तो यानी कि पाई बाय 3 एंगल को क्या लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ कि साइन की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां, 0 से लेके पाई बाय 3, एक काम करता हूं मैं माइनस साइन को बाहर ही निकाल लेता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए लिमिट्स पुट करना, कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाय 3, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, बोलो कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, हाफ, कॉस 0 क्या होता है 1, तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज हाफ, चलो वैल्यूज तो आप पुट कर ही लोगे, मेथड समझ में आ रहा है सबको, क्या एक पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक, ठीक। ठीक है तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर बताना क्या होगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर, वेयर जी m1 m2 ऑल आर कॉन्स्टेंट्स।
कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन के बाहर निकालना है, फिर करना सॉल्व। ठीक, तो क्या आंसर आया? आर बाय, नहीं, वन बाय इन्फिनिटी तो जीरो होता है, आर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो कभी रखते नहीं है ना कैलकुलेशंस में। तो इसमें जी एम वन एम टू बाहर आ गया, तो क्या बचा? वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या स्टेप क्लियर है? कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से कैपिटल आर, ऐसे किया, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो तो ऐसे ही करेंगे, एक्स वाली एक्स और एक्स को अंदर रखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स की फैमिली की टर्म तो अंदर रखनी पड़ेगी, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसमें जी एम वन एम टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से आर, ये भी ठीक है। अब जी एम वन एम टू एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाय माइनस वन, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से आर, ये भी क्लियर है। एक काम करते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल लो, माइनस जी एम वन एम टू एक्स की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? वन बाय एक्स इन्फिनिटी से आर, ठीक है, माइनस वन बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? वन बाय एक्स, ठीक है, यहां तक पीछे क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, लिमिट्स पुट करें, माइनस जी एम वन एम टू एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, वन बाय इन्फिनिटी मैथ्स में क्या होता है? जीरो। तो आंसर क्या आ गया? माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर। कितने लोगों ये आ गया था वैसे? आ गया था, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, कोई बात नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, इट्स ओके। तो क्या किया इसमें? x की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, लेकिन आप r माइनस इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, आप एलसीएम इन्फिनिटी के साथ नहीं कर सकते, कैलकुलेशंस इन्फिनिटी में नहीं होते, तो वन बाई इन्फिनिटी को जीरो ही करना पड़ेगा। तो कोई स्टेप में डाउट इसमें?